तो हैप्पी लाइफ से आप लोग एक न्यू वीडियो लाए हैं और इस वीडियो में आज आप लोगों को एक न्यू ट्रिक के बारे में, जो आप लोग व्हाट्सएप से जुड़ा एक न्यू ट्रिक है, जो आप लोगों को देखिएगा तो सोचिएगा कि ये भी व्हाट्सएप में हो सकता है क्या। तो आप लोग जानना चाहते हैं कि व्हाट्सएप में क्या न्यू फीचर है, जो आप लोग मेरा थंबनेल देख के ही व्हाट्सएप पर क्लिक किए होंगे। तो ये व्हाट्सएप का ट्रिक आप लोग जानना चाहते थे, फिर वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा स्किप नहीं कीजिएगा, तो असीव कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर कर दीजिएगा। उससे क्या जो जो न्यू वीडियो छोड़ेंगे सबसे पहले आपके पास जाएगा, सबसे पहले आप वीडियो देख पाएंगे। उसके अभी तो वीडियो को शेयर नहीं किया, प्लीज अपने फ्रेंड का वीडियो शेयर कर दीजिए, वो भी जो है इस प्रॉब्लम को अगर चाहेगा तो सॉल्व कर पाएंगे। तो इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया जाए, इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए, वहाँ पर छोटा सा वीडियो देखने को मिलता रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपने जैसे व्हाट्सएप का क्या न्यू फीचर, जैसे आप लोग व्हाट्सएप को आप लोग कोई चैटिंग होता है, कोई फोटो होता है आप लोग को डिलीट हो जाता है, तो आप लोग उसे रिकवर करना चाहते हैं। जैसे हो गया बहुत सारा पुराना पुराना आप लोग रिकवर करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा पुराना रिकवर नहीं होगा। आप लोग चाहते हैं कि मेरा 2 साल 3 साल पुराना रिकवर होगा, तो वो कोई एप्लीकेशन से रिकवर हो सकता है। लेकिन अगर व्हाट्सएप से रिकवर होगा इससे तो 5 दिन 10 दिन का रिकवर हो जाएगा। इसे आप लोग मेरा देख सकते हैं, इस ग्रुप में इसका बहुत सा फोटो आप लोग देख सकते हैं। तो ये फोटो हम जैसे यहाँ से डिलीट कर देंगे और पूरा डिलीट करने के बाद हम रिकवर करेंगे, तो देखेंगे आप लोग सामने रिकवर होता है या नहीं होता। आप लोग को यहाँ पर पूरा तरह से बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए ये ग्रुप, यहाँ से कोई ग्रुप हम उठा लेते हैं। ग्रुप में आप लोग फोटो, ग्रुप में बहुत सारा चैट होता है, बहुत जो मैसेज होता है, तो उसे जैसे पूरा क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद उसे आप लोग जो है यहाँ से देखिए, ये जैसे ग्रुप हो गया, इस ग्रुप में जाएंगे हम। ग्रुप में जाने के बाद ट्विटर पर क्लिक करेंगे, ट्विटर पर क्लिक करने, मोड पर क्लिक करेंगे, और मोड पर क्लिक करने के बाद हम चलिए मोड पर क्लिक करते हैं। मोड पर क्लिक करने के बाद आप लोग उसके बाद सेटिंग पर पहले आप लोग देख सकते हैं, पहले आप लोग बैकअप भी यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आइएगा, आप लोग चैट में आइएगा, चैट करने के बाद आप लोग को वहाँ पर क्लियर नहीं, पर आप लोग यहाँ पर बैकअप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बैकअप लोग आएगा, बैकअप चैट आएगा, तो बैकअप चैट पर जैसे क्लिक कीजिए आपको बैकअप हो जाएगा। आप लोग क्लियर करने से पहले यहाँ पर आइएगा, बैकअप पर आइए, उसके बाद फिर से आप लोग बैक आइएगा। बैक आने के बाद चलिए बैक आते हैं, बैक चलने के बाद फिर से ग्रुप में जाइएगा। ग्रुप में जाने के बाद आपको 3 डॉट दिख रहा है, मोड पर क्लिक कीजिएगा। मोड पर क्लिक करने के यहाँ पर क्लियर चैट देखा, क्लियर आप लोग पूरा क्लियर कर, देखिए मेरा क्लियर हो चुका है। और चलिए एक ग्रुप और हम ले लेते हैं, उसका भी पूरा जो है पूरा क्लियर कर देते हैं। चलिए 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ से भी क्लियर से पूरा जो है क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बार बार चैट बैकअप नहीं कीजिएगा, आप लोग एक चैट बैकअप कर लीजिए, उसको बार बार नहीं कीजिएगा। उसके बाद जो भी व्हाट्सएप का ग्रुप पर क्लियर करना है, चलिए मैं यहाँ से जो फिर से एक ग्रुप का जो है क्लियर कर देते, ऑल मैसेज मेरा मैसेज का जो है क्लियर हो चुका है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर प्रोफाइल का जो है, प्रोफाइल में आप लोग जाइएगा, प्रोफाइल में जाने के बाद व्हाट्सएप आप लोग यहाँ पर अपना व्हाट्सएप में जाइएगा। चलिए ऑल में यहाँ व्हाट्सएप में जाने के बाद यहाँ पर बैकअप का एक ऑप्शन आता है, तो यहाँ से आप लोग को बैकअप नहीं होगा। आप लोग को कभी कभी हो सकता है व्हाट्सएप को बैकअप को यहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगा। चलिए व्हाट्सएप को यहाँ पर सामने खोल लेते हैं, यहाँ से मेरा व्हाट्सएप आप लोग देखिए, मेरा जी व्हाट्सएप मिल चुका है, जी व्हाट्सएप मिल चुका है। उसके बाद आप देखिए बैकअप का ऑप्शन मिल जाए, आप लोग को बैकअप देखिए यहाँ पर जाए बैकअप नहीं, आप लोग 2 से 3 देखिए मेरा बैकअप में 2 ही फोटो यहाँ पर आप लोग बैकअप नहीं मिला। तो उसके लिए कहीं ना जाए आप लोग यहाँ से जो है कट कर देना, आप लोग को बैकअप में यहाँ आप लोग को कुछ नहीं होगा। उसके बाद जैसे आप लोग का देखिए बैकअप में यहाँ 2 ही प्रोफाइल दिख रहा है मगर, तो उसके बाद आप लोग को सेटिंग में जाना। सेटिंग में जाने के बाद आप लोग सेटिंग में जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर एप्स का आप लोग को एप्लीकेशन एक ऐप होगा, एप्स लिखा हुआ उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करना चलिए यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो एप्लीकेशन आप लोग को करना चाहते हैं, वैसे व्हाट्सएप हो गया, जी व्हाट्सएप हो गया, जो व्हाट्सएप व्हाट्सएप को खोल लीजिएगा। चलिए व्हाट्सएप को खोल लेते हैं, और खोजने के बाद जैसे व्हाट्सएप को यहाँ पर खोजने के बाद उस पर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर व्हाट्सएप मेरा मिल चुका है, उसका आप लोग यहाँ पर क्लियर देखिए डाटा आप लोग मिल रहा होगा, आप लोग को क्लियर डाटा आप लोग क्लियर ऑल डाटा आप लोग जो दिख रहा है, इसे आप लोग क्लियर डाटा कर दीजिएगा। क्लियर डाटा करने में आप समझिएगा कि पूरा जो व्हाट्सएप फिर से आप लोग ओपन कर पाएंगे और देखेंगे आप मेरे सामने आप लोग की ये रिकवर हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये प्रूव हो सकता है, मतलब जरूरी है ये होगा या नहीं होगा। तो चलिए डिलीट कर दें, यहाँ से पूरा क्लियर कर दीजिए। क्लियर करने के बाद आप लोग चलिए व्हाट्सएप को फिर से आप लोग ओपन कीजिएगा। तो व्हाट्सएप चलिए हम आप लोग सामने ओपन करके दिखाते हैं, व्हाट्सएप जैसे ओपन कीजिए एग्री एंड कंटिन्यू। उसके बाद व्हाट्सएप को ओपन करने जाते होंगे तो आप लोग एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए, उसका आप लोग अपना नंबर डाल लीजिए। नंबर डालने आप लोग को नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए, जैसे यहाँ पर नंबर डालते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करने का आप लोग को आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो आप लोग नंबर डाल देते हैं, नंबर डालने
आप अपना नंबर डाल लीजिए, नंबर डालने आपको ओटीपी आता है, ओटीपी भी ले लीजिए। ओटीपी लेने के चलिए मेरा ओटीपी आ गया, मैं ओटीपी यहाँ पर जो है दर्ज करता हूँ, ओटीपी आपको नहीं दिखेगा आप लोगों को। तो ओटीपी यहाँ पर जो है ओटीपी आ गया मेरा, ओटीपी का वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के बाद आप लोग को वेरीफाई मेरा कम्प्लीट हो गया, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक कर एलाउ पर क्लिक कर दीजिएगा। एलाउ पर देखिए मेन प्रोसेस आप लोग के यहाँ पर मेन है, आप लोग मेन जो है प्रोसेस यहाँ पर आप लोग को जो है स्किप नहीं करना है। आप लोग यहाँ पर स्किप करते तो ये हो जाता, स्किप नहीं कर आप लोग रिसेट, आप लोग जो दिख रहा है रीस्टोर, इसे आप लोग करना है। अब बहुत सारा होता है कि स्किप करके चला जाता है, स्किप करता है जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन जैसे करते हैं स्किप करके चला जाते हैं, नहीं स्किप आप लोग नहीं करना है। आप लोग रीस्टोर करने रीस्टोर जैसे बैकअप कीजिए, रीस्टोर बैकअप करने के बाद आप लोग वही व्हाट्सएप का जो है पूरा चैट जो है रिकवर, देखिए मेरा 3600 कुछ मैसेज मेरा जो है देखिए रिकवर आप लोग सामने हो चुका है। अगर व्हाट्सएप का देखिए क्लियर आप लोग सामने भी क्लियर हुआ था तो उस ग्रुप में आप लोग ले जाएंगे और उस ग्रुप का फोटो वीडियो पर दिखाएंगे मेरा जो हुआ है या नहीं। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और जो नेम आप लोग का नेम है वो नेम आप लोग डाल लीजिए। यहाँ पर अपना नाम डालते हैं, नाम डालने के बाद आप लोग नेक्स्ट आगे का प्रोसेस मेरा व्हाट्सएप ओपन हो रहा है, व्हाट्सएप ओपन होने देते हैं। व्हाट्सएप ओपन होने के बाद देखिए मेरा व्हाट्सएप जो है खुल रहा है, खुलने के बाद आप लोग बताते हैं कि मेरा व्हाट्सएप जो है रिकवर हुआ, फोटो या चैट रिकवर हुआ या नहीं होते। मेरा देखिए व्हाट्सएप जैसे मेरा ओपन हो चुका है, आप लोग सामने देखिए आप लोग दिखाते हैं मेरा, देखिए आप लोग इस ये सभी फोटो आप लोग दिख रहा होगा जिससे मैं डिलीट किए उस समय भी ये फोटो था, और अभी देखिए जब डिलीट करके जो रिकवर किए सभी फोटो मेरा सभी चैट आ गया है। तो आप लोग जो इस तरह करके जैसे व्हाट्सएप को आप चलाना छोड़ दीजिएगा, जैसे 10 दिन 15 दिन 20 दिन पर चलाना छोड़ दीजिएगा डिलीट करके, तो फिर से आप लोग जो रिकवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप को ये व्हाट्सएप डिलीट कर दे, दूसरा व्हाट्सएप डाउनलोड कर लिए, फिर दूसरा व्हाट्सएप डिलीट कर दूसरा व्हाट्सएप डाउनलोड कर दिए तो इसका चैट उसमें रिकवर कर लेंगे, उसका चैट तो वो नहीं होगा। जैसे एक ही व्हाट्सएप आज जो चला रहे हैं व्हाट्सएप को डिलीट कर दिए और 10 दिन के बाद डाउनलोड करेंगे तो ये इसमें जो हो सकता है, लेकिन दूसरा में उस तरह नहीं हो सकता है। तो छोटा सा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।